आज तारीख हो चुकी है 3 दिसंबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती होती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी की टीम ने आईपीएल एडिशन के लिए यहाँ पर अब अपनी टीम में नए हेड कोच की अनाउंसमेंट करी। इवन 4 महीना पहले ही इस टीम ने नए हेड कोच की अनाउंसमेंट कर दी थी, जहां पर अब इस टीम ने एंडी फ्लावर को यहाँ पर अपना नया हेड कोच बना दिया। माइक किसन को हटा कर एंडी फ्लावर को रोल दिया, और एंडी फ्लावर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप में थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप जीती। एंडी फ्लावर ने रिसेंटली यहाँ पर कोच के तौर पर एक बड़ा टूर्नामेंट, इसके साथ ही लुक विलियम्स इस टीम की यहां पर WPL में यहां पर हेड कोच है, और यहां पर कल के दिन WPL की हेड कोच यहां पर वुमेन्स बिग बैश लीग की विनर बनी है। तो कुल मिलाकर आरसीबी के यहां पर मेंस टीम के कोच यहां पर वर्ल्ड कप के विनर बने, जबकि वुमेन्स टीम के कोच यहां पर वुमेन्स बिग बैश लीग की विनर बनी है। तो यहां पर अब आईपीएल और WPL से पहले यह आरसीबी के लिए बड़ी कुछ खबर है। दोनों ने लगातार टूर्नामेंट जीते हैं, तो अब आईपीएल और यहां पर WPL यहां पर जीत सकते हैं। काफी हाईली चांसेस है, स्पेशली यहां पर इनका सिलेक्शन काफी सही माना जा रहा है। जहां पर कैमरॉन ग्रीन के आने के बाद अच्छा प्रदर्शन उनका है, मयंक नागर का अच्छा प्रदर्शन, कार्तिक रिटेंशन के बाद अच्छा प्रदर्शन है। तो आरसीबी के कई सारे यहां पर फैसले काफी सही पड़ रहे हैं। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आरसीबी की टीम इस साल आईपीएल जीत पाएगी या फिर नहीं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है केएल राहुल की तरफ से। दरअसल सोशल मीडिया पर केएल राहुल की ट्रेड को लेकर काफी बड़ी यहां पर अफवाह फैल रही है, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही है केएल राहुल यहां पर आरसीबी में ट्रेड होंगे। लखनऊ को छोड़कर ये आरसीबी जा रहे, हालांकि ये यहां पर ट्रेड 100% कंफर्म नहीं है। केएल राहुल के ट्रेड को लेकर कुछ टीमों ने अप्रोच करी थी, हालांकि आरसीबी उनमें से वो टीम नहीं है, और आरसीबी यहां पर राहुल को ट्रेड नहीं कर रही है। इतना इस टीम का करंटली बजट भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये खबर यहां पर सही नहीं है, केएल राहुल आरसीबी में ट्रेड नहीं हो रही है पूरी तरीके से कंफर्म्ड। वैसे 12 दिसंबर तक अभी ट्रेड विंडो चलेगी। मयंक अग्रवाल तो कोलकाता में ट्रेड हो चुके, और भी जो प्लेयर ट्रेड होंगे आपको हमारे टेलीग्राम पर हम सबसे पहले अपडेट कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि आप कोई भी अपडेट और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाए। स्पेशली 19 दिसंबर को ऑक्शन वाले दिन हम 1 लाख रुपए का गिव अवे करेंगे, तो उसमें भी आप ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट हो जाओगे। तो आप वीडियो को यही रोक करें, पहले आप टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर फटाफट ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है ईशान किशन की तरफ। दरअसल ईशान किशन को लेकर पिछले 2 दिनों से लगातार खबर फैल रही है कि ईशान किशन को कोलकाता यहां पर ट्रेड कर रही है। हालांकि यहां पर कोलकाता की तरफ से गौतम गंभीर ने यह कहा है कि इनके यहां पर ओपनर्स ऑलमोस्ट सेट है, ओपनर्स में ये बदलाव नहीं करेंगे, ओपनर को ट्रेड नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर कोलकाता की तरफ से तो ऑफिशियल हो चुका है कि ईशान किशन को ये टीम ट्रेड नहीं कर रही है। स्पेशली ईशान किशन की 15.5-16 करोड़ प्राइसिंग है। अगर कोलकाता इन पर इतने पैसे खर्च कर देगी, तो कोलकाता का पर्स बैलेंस ऑलमोस्ट यहां पर समाप्त हो जाएगा। तो इस वजह से ये टीम ईशान किशन को ट्रेड नहीं कर रही है। ईशान किशन की ट्रेड की न्यूज भी यहां पर टोटली फेक है। ईशान किशन ट्रेड होकर कोलकाता में नहीं जा रही, हम आपको ऑफिशियल कर रहे हैं, और हमारे टेलीग्राम पर हमने पहले ही इस प्रकार की यहां पर खबरें ऑफिशियल कर दी थी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को रोक करें, आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। स्पेशली यहां पर अब 19 दिसंबर में काफी कम दिन बचे, 19 दिसंबर को मेगा गिव अवे होगा टेलीग्राम पर। हमारे हर एक यहां पर सब्सक्राइबर को प्राइजिंग मिली 1 लाख रुपयों में, सभी 200 टीमों की जर्सी, इसके साथ ही सभी टीमों का किट, जहां पर बैट, हेलमेट, इसके साथ ही बल्ले, ग्लव्स, सब कुछ हम यहां पर गिव अवे करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, और आप कमेंट करके बताइए कि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आते होते WPL को लेकर। दरअसल वुमेन्स प्रीमियर लीग की नीलामी यहां पर 9 दिसंबर को होनी है। आज 3 दिसंबर है, 6 दिन बाद अब नीलामी होनी है। नीलामी के लिए सभी टीमों का पर्स आ चुका, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। गुजरात के पास 5.90 करोड़ है, यूपी के पास 4 करोड़, आरसीबी के पास 3.35 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स के पास 2.25 करोड़, मुंबई के पास 2.1 करोड़ है। इस प्रकार से यहां पर WPL में इन टीमों का पर्स यहां पर इस प्रकार से सेटल हो चुका है। इस पर्स में अब टीमों को यहां पर ज्यादा नहीं, 4-4, 5-5 खिलाड़ी परचेज करने। आप कमेंट करके बताइए आप WPL के और IPL के ऑक्शन में से दोनों में से कौन से ऑक्शन का आखिर सबसे अधिक वेट कर रहे हो। अब हम बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है भारत ऑस्ट्रेलिया के 5वें T20 मुकाबले को लेकर। दरअसल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और आखिरी T20 मुकाबला यहां पर बेंगलुरु से हमें लाइव देखने को मिलेगा, जहां पर भारत ने ऑलरेडी सीरीज जीत ली। तो आज उन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा जिनको अब तक मौका नहीं मिला। तो कुल मिलाकर आज प्लेइंग 11 में शायद काफी सारे चेंजेस। बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है ट्रेविस हेड की तरफ
हिसाब से दरअसल ट्रेविस हेड ने आईपीएल 2024 के ऑक्शन के लिए 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर्ड किया था, लेकिन कल इन्होंने अपनी बेस प्राइस चेंज करके 2 करोड़ से अब 50 लाख अपनी बेस प्राइस कर ली। हालांकि इसके पीछे रीजन इन्होंने यहाँ पर शायद वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस मानी हो, जहाँ पर वर्ल्ड कप में इन्होंने करोड़ों यहाँ पर भारतीय फैंस के दिल तोड़े, तो इनको ये लगा होगा कि 2 करोड़ में शायद टीमें इनको ना परचेस करें, स्पेशली केवल ये बल्लेबाजी ऑफर करते हो तो एक बल्लेबाज के लिए, वो भी विदेशी बल्लेबाज के लिए टीमें इतने पैसे यहाँ पर खर्च ना करें, तो 50 लाख इन्होंने बेस प्राइस रखी ताकि ये सोल्ड आउट हो जाए, यहाँ पर 60-70-80 लाख 1 करोड़ में कोई भी टीम इनको परचेस कर ले। तो कुल मिलाकर हमारे टेलीग्राम पर हम वैसे भी आपको आज ये बता देंगे कि ट्रेविस हेड को कौन सी टीम टारगेट करेगी, कितने करोड़ तक ये बिकेंगे, ऑक्शन की स्ट्रेटजी सब कुछ हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देते हैं, टीमों के टारगेट प्लेयर भी हम टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे। तो वीडियो को यही रोककर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ आप मिस करने वाले हो। बात करते हैं 7वीं बड़ी खबर की, तो जो 7वीं बड़ी खबर निकल कर आती होती है शाहरुख खान की तरफ से। दरअसल यहाँ पर पंजाब के शाहरुख खान काफी अधिक चर्चाओं में, जहाँ पर इनको चेन्नई की टीम टारगेट कर रही है, आरसीबी की टीम टारगेट कर रही है, और भी काफी सारी टीमें इनको टारगेट कर रही है। जिन टीमों को फिनिशर की नीड है, स्पेशली इंडियन फिनिशर की नीड है, वो टीम इनको टारगेट कर रही है, और 40 लाख की बेस प्राइस के साथ इन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर किया। 40 लाख की बेस प्राइस से इनकी बोली शुरू होगी, जो कि मोस्ट लाइकली 5-6 करोड़ तक इजिली चली जाएगी। तो कुल मिलाकर शाहरुख खान ने भी यहाँ पर 40 लाख की काफी मिनिमल, काफी कम यहाँ पर बेस प्राइस रखी है। अब हम बात करते हैं 8वीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो 8वीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आते होते हैं जसप्रीत बुमराह की तरफ से। दरअसल जसप्रीत बुमराह ने जो कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर जो स्टोरी लगी थी, उसके बाद यहाँ पर इनसे हैदराबाद की टीम ने अप्रोच करी थी। अब रिपोर्ट है कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी इनके साथ अप्रोच करी, इनसे बातचीत करी कि ये 12 करोड़ अगर लेने को तैयार है तो इनको ये टीमें ट्रेड करने को तैयार है, इवन 12 करोड़ से भी अधिक इनको टीमें पैसे देने को तैयार है, लेकिन मुंबई की टीम शायद बुमराह को नहीं छोड़ेगी, ये मुंबई की तरफ से कन्फर्म्ड है। वैसे इस प्रकार के यहाँ पर सारे अपडेट्स हम टेलीग्राम पर पहले यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, और यूट्यूब पर एक दिन बाद वो वीडियो आती है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लो, और आप कमेंट करके बताइए आप बुमराह को मुंबई में ही देखना चाहते हो या फिर किसी और टीम में देखना चाहते हो, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।